आपने कम्युनिटी टैब पर जिस चॉइस को सबसे पहले पसंद किया था मेरे चैनल की कि इस सब्जेक्ट पर बनाऊं, तो देख लीजिए वोटिंग, तो फर्स्ट नंबर पर DNB MDMS कोर्स, तो इस पर ये वीडियो है। दूसरे नंबर पर इम्यूनिटी, तो दूसरे नंबर वाला वीडियो मैं इसके बाद एक दो दिन बाद बनाऊंगा, ठीक है। तो आज ये वाला देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो DNB जो एस्पिरेंट हैं, जो MBBS ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए वीडियो है। MBBS जो लोग कर रहे हैं और या जो लोग नीट वगैरह अभी दे रहे हैं और MBBS में आना चाहते हैं, उनको भी शायद काम है, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर देखना चाहिए कि क्या करना होगा। देखिए, आजकल MBBS अकेला करने से काम नहीं चलता, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही होगा, अच्छा सेटलमेंट चाहिए। तो जिसमें तीन ऑप्शन हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, MD, MS और DNB, और चौथा ऑप्शन है डिप्लोमा, ठीक है। ये चार ऑप्शन होते हैं, तो ये बहुत कन्फ्यूजन होता है आम जनता को भी और मेडिकल एस्पिरेंट्स को भी कि DNB और बाकी MD MS में क्या फर्क है, या DNB सुपर स्पेशलिटी प्लस DM और MCH में क्या फर्क है। तो मैं आपको इनके प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ, खासकर DNB के विषय में कि DNB में क्या अच्छाई है और क्या कमी है और कैसे कितने रूट्स हैं DNB करने के। तो देखिए, सबसे पहले जब आजकल MBBS में जब हम एंटर कर रहे हैं इंडिया में, तो लोग सेकेंड ईयर से ही PPG नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं। PPG नीट जैसे आपका UG नीट है, 12th के बाद जो होता है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नीट का एग्जाम होता है, जिससे कि MD, MS, DNB और डिप्लोमास, इन चार की काउंसलिंग बेस्ड आपको सीट्स मिलती हैं। टॉप पर हमेशा MD जाते हैं, ज़्यादातर MD सीट्स जाती हैं और उसके बाद MS सीट्स जाती हैं काउंसलिंग में। MD और MS इक्विवेलेंट होता है, MD जो है वो फिजिशियन साइड के लिए हो गया और MS जो हो गया वो सर्जरी साइड के लिए हो गया, लेकिन इक्वल डिग्री है दोनों, उनमें कमी नहीं है। बट लेकिन क्योंकि कई रीजंस की वजह से लोग MD मेडिसिन या रेडियोलॉजी या MD पीडियाट्रिक्स जो मेरी ब्रांच है, इसको ऊपर रखते हैं, इसको प्रेफर करते हैं, और सर्जरी में MS ऑर्थोपेडिक्स ऊपर आती है। तो इस तरह से चलता है काउंसलिंग में। जब MD MS उठ जाते हैं, इसके बाद आता है डिप्लोमास या DNB का नंबर, ठीक है। तो लोग जो है, बहुत सारे लोग डिप्लोमा प्रेफर करते हैं और बहुत सारे लोग DNB क्यों काउंसलिंग में पीछे जाता है, उसमें कमी क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। या आपको DNB आप करने की सोच रहे हैं तो उसके एक प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सबसे पहला समझ लीजिए कि MD MS होता है बड़े मेडिकल कॉलेजेस जो कि MCA रिकॉग्नाइज हैं विभिन्न स्टेट्स में या सेंट्रल में, उनसे होता है MD और MS, जबकि DNB आमतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर गवर्नमेंट के ऐसे हॉस्पिटल जैसे रेलवे हॉस्पिटल हो गया या हिंदूराव हॉस्पिटल हो गया दिल्ली में, इस तरह के हॉस्पिटल्स में DNB होता है, जो कि प्रॉपर मेडिकल कॉलेज नहीं होते। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है, दो तीन प्रॉब्लम है कि वहाँ जो फैकल्टी है वो प्रोफेशनली टीचिंग के लिए डेडिकेटेड फैकल्टी नहीं है, या उनको रिसर्च का टीचिंग का वो ओरिएंटेशन नहीं है, और बहुत जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनका मेन फोकस प्राइवेट पेशेंट्स को सेटिस्फाई करना होता है। तो ऐसे में वो वहां पर जो लोग रह रहे होते हैं, जो रेजिडेंट्स DNB कर रहे होते हैं, वो प्राइवेट के हिसाब से चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन बहुत सारा रैशनल जो होता है वो मिस आउट करते जाते हैं, क्योंकि उतने सेमिनार्स या जर्नल प्रेजेंटेशंस वगैरह भी कम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं। जैसे गंगाराम वगैरह बड़े, जो बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं दिल्ली जैसे, उनकी बातें यदि हम छोड़ दें तो, ठीक है। तो एक तो ट्रेनिंग के स्तर पर ये कमी है, लेकिन मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि DNB डॉक्टर्स कम है MD या MS से, मैं प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूं। डॉक्टर इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है बहुत कुछ, कि वो कैसा बनेगा, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग में ये फ्लॉ है। DNB इसीलिए भी पीछे जाता है, एक रीजन, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट से। दूसरा, DNB में स्टाइपेंड्स कम मिलते हैं, जहां MD MS में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में स्टाइपेंड जैसे मध्य प्रदेश में लगभग 60,000 है, दिल्ली में 90,000 के ऊपर है पर मंथ। DNB में स्टाइपेंड काफी कम मिलते हैं, 30,000, 40,000, कुछ जगह 50,000 भी हो सकते हैं। फीस ज्यादा होती है DNB में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा होता है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अतिरिक्त जो एक डिसएडवांटेज है DNB करने का, वो है इसमें एंट्री तो आसान है MDM और MS की तुलना में, क्योंकि काउंसलिंग में आपके कम मार्क्स में ही आप एंटर हो जा रहे हो, लेकिन एग्जिट मुश्किल है। मतलब DNB जो है उसमें पासिंग रेट बहुत कम होता है। DNB है क्या, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, जो कि 1975 में आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्टार्ट करवाया था ये, तो इससे जुड़ी हुई कुछ फेलोशिप्स भी हैं और एक DNB जो कि MD और MS के इक्विवेलेंट डिग्री है। अब आते हैं बात इसके फायदे।
यदि आप MDA और MS आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि ये हाई रैंकिंग पर जाता है, आपके अटेम्प्ट हो गए हैं या आपको जल्दी एंट्री करना है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो एक तो ये बता दूं कि ये MDA और MS के एब्सोल्युटली इक्वल है। भले ही इसमें ट्रेनिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हो रही हो आपकी, भले ही मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रही हो, लेकिन लीगली इक्विवेलेंट है। मतलब कि एक DNB पीडियाट्रिक्स MD पीडियाट्रिक्स जैसे ही प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर DNB सर्जरी MS सर्जरी जैसे ही सर्जरीज कर सकता है, या ऑर्थोपेडिशियन ऑर्थोपेडिक्स जैसे ही सर्जरी कर सकता है, गायनेकोलॉजिस्ट हर जो भी ब्रांच में होता है, सभी ब्रांचेस में लगभग। लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जॉब भी आपको इक्विवेलेंट मिलेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सेल्फ प्रैक्टिस, अपना क्लिनिक खोल रहा हो, फ्रीलांसिंग करनी हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज में दिक्कत है, वो है टीचिंग जॉब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं ना मेडिकल कॉलेज में। जैसे मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं, तो ये जो टीचिंग पोस्ट होती है, पहले लेक्चरशिप, सीनियर रेजिडेंसी, लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर एसोसिएट और फिर प्रोफेसर, ये जो रूट होता है, इसमें प्रॉब्लम है। DNB को MCI, यदि आपने ऐसे इंस्टीट्यूट से DNB किया है जो कि मेडिकल कॉलेज नहीं है, MCI रिकॉग्नाइज्ड, किसी प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल से कर लिया है, तो आपको ये 3 साल टीचिंग के एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होंगे। मतलब कि क्या हुआ इसका, जैसे कि आप DNB पीडियाट्रिक्स से यदि कर रहे हैं, तो DNB पीडियाट्रिक्स से यदि कर रहे हैं और एक दूसरा लड़का MD पीडियाट्रिक्स कर रहा है, तो उसके 3 साल टीचिंग एक्सपीरियंस माने जाएंगे जो मेडिकल कॉलेज में है, और DNB वाले का वो टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होता है उस, या फर्स्ट अपॉइंटमेंट इवन सीनियर रेजिडेंट के तौर पर होता है, उसके लिए आपको 3 साल की JRship चाहिए होती है, जिसको ये जो 3 साल वो रेजिडेंसी कर रहा है ना DNB में और MD में भी 3 साल कर रहा है, इसको JRship बोलते हैं। तो ये JRship MCI रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए वहां। तो इस वजह से DNB कैंडिडेट को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मेडिकल कॉलेजेस माना मुश्किल है, लंबा लेंदी प्रोसेस है, बन सकते हैं अभी भी। मेरे साथ के एक असिस्टेंट प्रोफेसर अभी बनी है, वो डिप्लोमा के बाद उन्होंने DNB किया था, DCH के बाद, तो बन सकते हैं, लेकिन क्वाइट लॉन्गर रूट होगा। मतलब आप 3 साल यदि DNB कर लिए हैं, उसके बाद भी आपको 3 साल फिर JRship करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर 1 साल सीनियर रेजिडेंसी करनी पड़ेगी, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। मतलब आप MBBS के 5.5 साल, 3 साल DNB के, और उसके बाद 4 साल और लगाएंगे, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, अब DNB तो एक ही हो गया जो कि प्राइमरी DNB होता है, जो कि MBBS के बाद वाला होता है। एक होता है सेकेंडरी DNB। बहुत सारे लोग डिप्लोमा ऑप्ट करते हैं यदि उनको MDA और MS नहीं मिल पाए। डिप्लोमा 2 साल के होते हैं। आपको बता दूं, आप लोग अपडेटेड नहीं होंगे इससे डेफिनेटली, वो ये कि डिप्लोमा अब MCI धीमे धीमे खत्म करने वाली है, ठीक है, और उसको पूरा MDA और MS में कन्वर्ट कर दिया जाएगा डिप्लोमा सीट्स को, लेकिन फिलहाल है। तो डिप्लोमा जो है 2 साल के होते हैं। डिप्लोमा के बाद, क्योंकि आप बहुत सारे चीजें नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स यूजली आपको जॉब नहीं देते हैं, आप मेडिकल कॉलेजेस में नहीं आ सकते हैं, तो डिग्री जहां 3 साल की है, डिप्लोमा 2 साल का है, तो इसलिए लोग 2 साल और खर्च करके उसमें DNB जोड़ना चाहते हैं। तो DNB जोड़ने के लिए उनको एंट्रेंस देना होता है, जिस जो कि अगेन नीट एंट्रेंस होगा, और उसमें अलग से डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो DNB होगी वो अलग से कहलाएगी, जिससे सेकेंडरी DNB कहेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी DNB 2 साल डिप्लोमा करने के बाद, जो लोग 2 साल DNB करते हैं, इनको 3 साल नहीं करना पड़ता, वो कहलाते हैं। तो इनको भी सेम होगा, कॉर्पोरेट में वो सेम जॉब कर सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में काम करने के लिए इनको SRship 1 साल की जगह एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस कम है। तो कुल मिलाकर यदि मैं आपको शॉर्ट में कहना चाहूं, तो टीचिंग जॉब में यदि आप आना चाहते हैं तो DNB अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाकी में दिक्कत नहीं है। दूसरा, एग्जिट एग्जाम इसमें पासिंग रेट कम होता है MD और MS की तुलना में। MD MS में लोग आसानी से पास हो जाते हैं, क्योंकि अपने ही डिपार्टमेंट के फैकल्टीज, हम लोग जैसे कभी फेल नहीं करते किसी को, बहुत ही रेयर है कि हम फेल करें किसी कैंडिडेट को। लेकिन DNB में अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग कैंडिडेट होता है, और पासिंग रेट उसमें शायद डेलिब्रेटली ही कम रखा जाता है, तो आपके अटेम्प्ट्स लग जाते हैं उसमें। तो ये थी जानकारी MD MS DNB के शुरुआत की। अब आते हैं सुपर स्पेशलिटी DNB भी होता है। तो जैसे MD और MS के बाद 3 साल का DM और MCH होता है, जिसके लिए भी नीट एंट्रेंस होता है, एक्सेप्ट फ्यू इंस्टीट्यूट्स जैसे कि एम्स है, जिपमर है, PGI चंडीगढ़ है, इनमें इनको इंक्लूड नहीं किया है नीट में, बाकी तो इनके लिए भी DM MCH एंट्रेंस होता है। तो इस एंट्रेंस
में ही काउंसलिंग बेस्ड आपको डीएनबी भी हासिल हो सकता है सुपर स्पेशलिटी डीएम, जैसे कि सुपर स्पेशलिटी का अर्थ हुआ जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, कार्डियोसर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट लाइक दैट, यूरोलॉजिस्ट। सो इस तरह की जो सुपर स्पेशलिटी होती है उनके लिए आपको डीएनबी, आप सेम टीचिंग एक्सपीरियंस का वही क्राइटेरिया है, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस फील्ड में तो आपको मुश्किल होगी, लेकिन कॉर्पोरेट में और सेल्फ प्रैक्टिस में कोई भी मुश्किल नहीं आएंगी। तो ये थी जानकारी प्रोज एंड कॉन्स के विषय में डीएनबी के इन कंपैरिजन टू एमडी और एमएस। मुझे उम्मीद है ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स, मेरे फेसबुक पेज से आप लोग जुड़, पेज नहीं, मेरी टाइमलाइन से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वह मैं कभी लाइव इंटरेक्शन के साथ आपको हेल्प कर सकता हूँ बहुत सारे मुद्दों पर। मैं जल्द ही बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स पीपीजी कोचिंग ले रहे होते हैं, तो बहुत महंगा हो गया है एमबीबीएस और भी, क्योंकि उनका 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए महीना इसमें कोचिंग में और जा रहा होता है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, क्योंकि उनको नीट पीजी निकालना होता है एंट्रेंस। तो और इसके लिए मैं आपको इतना कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से कर सकता हूं, वो ये कि पीडियाट्रिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको जो भी कंफ्यूजन होता है, मेरी जो फील्ड है उसको मैं एक आध कुछ यूट्यूब वीडियोस या तो फेसबुक लाइव पर आप लोगों को बता दूंगा, एक तरह की ऑनलाइन कोचिंग काइंड ऑफ की जो भी कंफ्यूजन है ऑब्जेक्टिव इसके मैं पूरा कंपाइल करके वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा। लेकिन ये तब होगा जबकि लार्ज संख्या में एमबीबीएस स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ेंगे, अदरवाइज मैं कुछ लोगों के लिए तो नहीं करूंगा, मुझे पता है कि बहुत कम डॉक्टर्स चैनल से जुड़ेंगे, आम लोगों के लिए ज्यादा है। जब आप ज्यादा संख्या में होंगे तभी मैं ये कर पाऊंगा, क्योंकि मेहनत लगती है इन सब चीजों में, और यदि वो देखें नहीं लोग तो उसका अर्थ नहीं होता। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स एंड आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, मेहनत करो, अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट करो, सकारात्मक रहो, निगेटिव मत रहो, लोगों के प्रति दुर्भावना मत रखो, कुछ भी कुछ निगेटिव बातें मत करो, अपने आप को फोकस रखो सकारात्मक कामों के लिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। दो बातें और छोड़ दी थी दोस्तों, वो ये कि डीएनबी यदि आप नीट के थ्रू नहीं सेलेक्ट हो पाए, नीट में आपकी कोई रैंक नहीं आई है, तो एक मौका और देता है। मतलब डीएनबी दो बार एग्जाम होता है, एक तो नीट के थ्रू और एक बार डीएनबी सेपरेटली एग्जाम लेता है, एक अपडेट। दूसरी चीज ये कि डीएनबी और एक तरह का होता है, वो है कि कोई एमडी या एमएस व्यक्ति या डॉक्टर अपियर हो जाए डीएनबी एग्जाम में, जस्ट एग्जाम दे, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी होती है अगेन, तो एक एड ऑन डिग्री के लिए कि एमडी के साथ वो डीएनबी लिख सके, इसके लिए वो जस्ट एग्जाम देकर उसको पास करके एमडी एंड डीएनबी कहला सकता है। तो ये और छोटा सा अपडेट था, थैंक यू।